अब आप संगीत की तरफ चलिए, संगीत की तरफ चलिए। मौजा चमनपुर जिला सुल्तानपुर, मौजा चमनपुर जिला सुल्तानपुर, वही के माने जाने हुए रंगबाजों में रंगबाज, अय्यासों में अय्यास, ठाकुरों में ठाकुर, लम्बरदारों में लम्बरदार, गुंडों में गुंडा महागुंडा, जिनका नाम बाबू भवानी। अब आप लोग के समक्ष आ रहे हैं, देखिए आइए आइए। तो जिला सुल्तानपुर, जिला सुल्तानपुर और मौजा समन नगर, समन नगर का मान संविधान। मेरा नाम ठाकुर भवानी सिंह खुराना। ठाकुर भवानी सिंह खुराना और अपने दुश्मनों का नामो निशान मिटाना। मेरा नाम ठाकुर भवानी सिंह खुराना और अपने दुश्मनों का नामो निशान मिटाना, और ये मेरा वसूल है पुराना। ठाकुर जमींदार दो ही काम सीखा है, पहला काम दुश्मनों का नामो निशान मिटाना, और ये मेरा वसूल है पुराना। यह बता, जय शंकर बोले, यह बता क्या इस वक्त मेरे समन नगर का क्या समाचार है? आपके चमन पुर का बहुत अच्छा समाचार है बाबू साहब। इस समनपुर में आपके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता है। अगर आपके खिलाफ आवाज उठाता है साले की मुन्नी, क्या बे मुंडी काट कर ये चेयर किसकी है बाबू? ये कुर्सी फाइबर सर, मेरी बात बेस सुन लिया महाराज, मारे बात ठीक ना हो, ठीक ना खाए अब कहा हो, कोई मारा ठीक है, लेकिन बाबू साहेब रोजी रोटी मेरा दोस्त शेखू सिंह को बहुत जल्द फोन करके मेरे पास बुला,
मुबाए बा मोबाइल है साले की मोबाइल बा मिला नंबर बाबू हच से मिलाई निन्यानवे चौतीस ईसो गोदा मरो निन्यानवे चौतीस हकी समूती समूची हेलो हाँ क्या हाल है घर घर भले हैं सब हाँ अब हम जान तो है बारात आई है का मौका करी हाँ तो बरतिया आई है का करी हम हम देखत हम नवा नवा लौंडा हाँ तो जानते नहीं है का करी हम अरे तो भाई आज तो फैशन करे न हो भूख हो हमको तो लिया लेके चला जानते नहीं है चलो ठीक है कोनो बात नहीं भैंसर बरवा बनवाए रहो भैंसर हाँ वह कहते भैंसरवा बरवा बनवाए रहो बरवा ना बनवाए रहो घरे क्यों लग गए बाबू साहब आज मैंने कहा कि नंबर शेखू के पास लगाओ और तो साले घर पर लगा दिया और उसमें साले अंध बंद क्या बोल रहा है बोल साहब बोलता क्यों नहीं है बिहान कालिकन में मेला लागे यही तुम्हारा कहीं लड़के उनके बार बनवाए हुए से बरवा बनवा लू बिहान अरे मरी माई अरे रे मामा नब्बे दी बयानवे तुम साले अपने हरकत से बाज नहीं आओगे बानवे नब्बे दी बानवे नब्बे तीन तिरानवे नब्बे छियानवे नब्बे चार चमरानवे हेलो 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 अरे ये लंबरदार हेलो हेलो अबे कौन हले बोल रहा है तू अरे हम टुनटुन लाल बोल टुनटुन लाल हाँ ये बता मेरे पास किस लिए तू फोन किया इस वक्त हवेली से लंबरदार आपके लिए फोन करवाए हैं आप जल्दी मिलने का कष्ट कीजिए क्या कहा तेरे कहने का मकसद बाबू भवानी सिंह मेरे पास फोन किए हैं और फोन करके अंदर अचानक हवेली में बुलाए हुए हैं तो फोन रख दे बेटा मैं तत्काल आ रहा हूँ जल्दी रख दे रखी रख दे रखी रजुआ जय गोपाल ये बता कि अचानक तू मेरे पास किस लिए फोन किया रे बाबू साहब हाँ आपके प्रिय मित्र आपका इंतजार कर रहे हैं आप उनसे मिलने का कष्ट कीजिए बहुत खूब चल मेरी मुलाकात बाबू साहब से तुरंत करा बहुत अच्छा
बड़े मालिक बाबू साहब, अचानक आप मेरे पास इसलिए फोन किए बाबू साहब, मैं आपसे जानकारी करना चाहता। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहना क्या चाहते हैं बाबू साहब? कहना यह चाहता हूँ कि तुझसे मालूम होना चाहिए कि मेरी शादी हुए 16 साल हो गए। ये तो मुझे मालूम है बाबू साहब, लेकिन कि ठकुराइन को मैं अपने दिल से नहीं मानता हूँ, क्योंकि उसका चेहरा काला है, इसलिए मैं उससे नफरत करता हूं। और आज मेरा मूड कुछ कहना चाहता है, और मेरी बातों को तुम ध्यान से सुनो कि तुम्हें करना क्या है और मैं कहना क्या चाहता हूं। बड़े मालिक, आपको मालूम हो कि मैं आपका दोस्त नहीं बल्कि मैं आपका दाहिना हाथ अपने को समझता हूं। कहना क्या चाहेंगे बाबू साहब? सुनो, शेखू सिंह दिल में उठा मालिक, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूं। और मेरी नजर में एक है हूर परी गुल। जी हाँ बड़े मालिक, और मेरी नजर में एक है हूर परी गुल। और प्रभु किसान की सुता खुशबू जिसका। मेरी नजर में एक है बड़े मालिक, मेरी नजर में एक है हूर परी गुल्फा, प्रभु किसान की है सुता खुशबू जिसका नाम। बड़े मालिक, खुशबू नाम है? जी हाँ बाबू साहब, नाम तो बहुत प्यारा है। बड़े मालिक, नाम ही नहीं उसका चेहरा भी लाजवाब है। कहने का मतलब खुशबू को देखने के बाद कि जैसे चांदनी रात होती बाबू साहब, चांदनी रात होती दरिया का किनारा होता, पास में खुशबू आपके साथ होती तो तकिया का सहारा होता बाबू साहब। देखो, मैं और कुछ कहना चाहता हूँ। और मेरे दोस्त मन अपना देरी लगा, मेरे दोस्त मन अपना।
जैसे भी आए हाँ खुशबू को मेरे पास तुम्हें लाना होगा। बहुत अच्छा बाबू साहब, जाओ और मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि खुशबू को चाहे जैसे भी मेरे पास तुझे लाना होगा। बड़े मालिक आपका फरमान हुआ, समझो पूरा काम हुआ। बाबू साहब मैं आपसे वादा करता हूं कि 24 घंटे के अंदर खुशबू आपकी बाहों में होगी। बड़े मालिक ठीक है, जाओ मैं तुझे आदेश देता हूं। नमस्कार। नमस्कार। चाहे के चुस्की अरे लईगा बुढ़ौना है जागाड़ा, अरे मारे मुस्की बुढ़ौना है जागाड़ा। क्या बात है, बहुत मस्ती लो ले। का करी काका घर में कलर में पहला कुछ मनोरंजन हो। हाँ साथियों, मैं उच्चमानपुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम प्रभु किसान है और ऊपर वाला ने मुझे दो औलाद दिए हैं। बेटे के नाम शंकर है और बेटी का नाम खुशबू है। काका, मेरी बेटी खुशबू को यहां ले आई है।
नाए बुलाए तो बाबू बुलाए हैं। क्या बाबू जी बुला रहे हैं? खाना कौन बुला का करता है? चलिए ठीक है। हाँ खाना पीना हम तो खाए नहीं। बाबू जी नमस्ते। बेटे। हाँ बाबू जी नमस्ते। बेटी खुशबू, मैं किस लिए गमगीन हूं? इसलिए कि ऊपर वाला ने मुझे मजबूर कर रखा है मेरे पास खाने के लिए और पैसे नहीं हैं। मैं तुम्हारी शादी के लिए सोचता हूं कि मैं आपकी शादी करूं तो कैसे करूं, मेरे पास पैसे नहीं है। अरे किसका मकान है भाई? अबे मैं चमनपुर का रहने वाला, चमनपुर का रहने वाला बाबू भवानी सिंह का दोस्त शेखू सिंह बोल रहा हूँ। एक बात जान लिया बाबू जी के यहाँ। अबे साले इसने रोब की वक्त क्या बात है रे? मैं ये पूछ रहा हूँ कि किसका मकान है, तू बता। ये हमारे काका प्रभु किसान का है। क्या तेरे काका प्रभु किसान है घर में? ये है का हूं, का है, का है। देखे कुछ लोग आना चाहते हैं। क्या है? क्यों आवे चाहता है? ठीक है, जाओ तुम उन्हें आदर के साथ ले आइए। नमस्कार नमस्कार। क्या तेरा ही नाम प्रभु किसान है? हाँ, लेकिन ये बताओ आपका कैसे आना हुआ है इस गरीब के इंसान? हाँ, तेरी गरीबी को देखकर तेरी झोपड़ी में मुझे आना हुआ। कहने का मतलब तेरी मजबूरी मुझसे देखी नहीं जाती। इस वक्त तेरे दोनों बेटे सयाने हो गए हैं। कहने का मतलब तेरी बेटी खुशबू और तेरा बेटा जो शंकर है वो भी सयाना हो गया है। ये तो सही है। और खर्च ज्यादा है, कमाई कम है, ठीक है कि नहीं? ये तो मालूम है मुझे। रही बात तेरे मतलब की, बाबू भवानी सिंह की ठकुराइन साहिबा का पांव इस वक्त भारी है और वो कार्य करने में समर्थ है। अगर तू अपनी बिटिया खुशबू को बाबू साहब की हवेली में भेज दे केवल कुछ दिन के लिए, उसे प्रति माह 5,000 रुपए मिलेंगे। खमाश रहो। ऐसी बातें करते तुम्हें शर्म? मैं अपनी बेटी खुशबू से नौकरी करवा सकता हूँ? अरे प्रभु तू तो गलत समझ रहा है मुझे। देख इसमें नौकरी की बात नहीं, तेरी बेटी एक शिक्षित है। अगर शिक्षित है तो वो कुछ भी कर सकती है। मेरी बात मान तू तो मेरे साथ अपनी बिटिया को भेज दे और प्रतिमा 5,000 पाएगी, तेरी गरीबी अमीरी में बदल जाएगी। सुन लिया बहनी बिटिया का नाव भी लिया नौकरी करता है। अरे राजू भैया इतने नाराज किया? मेरी बात तुम तो जानते हो घर की स्थिति बहुत खराब है। भैया पढ़ाई कर रहे हैं और इधर मैं जवान हो गई हूँ। बाबूजी को मेरी शादी की चिंता रात दिन लगी रहती है। ठाकुर साहब ठीक कह रहे हैं, अगर मैं उनके यहाँ कुछ दिन काम कर लूंगी तो कुछ पैसा मिल जाएगा, भैया की पढ़ाई भी चल जाएगी और घर का खर्चा भी चल जाएगा। अब तू बहन बिटिया तो सब कुछ कहा अपना। काका बेटी खुशबू, लेकिन मैं इस वक्त कुछ नहीं कर सकता हूँ, इसलिए इस मौके पर भैया शंकर नहीं है, पढ़ने गए। लेकिन बाबूजी आप तो देख रहे हैं कि दिन के दिन घर की स्थिति बिगड़ती चली जा रही है। अब तुम काम नहीं कर सकते हो बाबूजी। जाओ बेटे शंकर को यहां बुला लाइए। शंकर आए हुए? बोलेगा
शंकर शिव कहो, इस वक्त तुम्हारी पढ़ाई का क्या समाचार है? पिताजी, मेरे पढ़ाई का समाचार सब ठीक है, पर पिताजी अचानक बुलाने का कारण क्या है? नमस्ते नमस्ते, और सब ठीक है ना? बेटा शंकर, बुलाने का कारण यह है कि आपने यहाँ भवानी सिंह का दाहिना हाथ, क्या कहते हो, क्या नाम है उनको, शेखू सिंह आए हुए हैं। इसलिए पिताजी, बेटी खुशबू को नौकरी देना चाहते हैं। बोलो, तुम्हारी मर्जी क्या है? पिताजी, यह आप क्या कह रहे हैं, बहन खुशबू को जमींदार साहब आपने हवेली में नौकरी देना चाहते हैं? हाँ। राजू, ये तो बड़े शर्म की बात है। इस घर में मैं भी मौजूद हूँ और पिताजी भी मौजूद हैं। बहन खुशबू की क्या जरूरत है जमींदार के हवेली में काम करने की? हम तो जवान जहिर होई के बहन की हमारा दहाय नौकरी करे जाएं। राजू, बेटा शंकर, पिताजी यही तो मैं भी कह रहा हूँ। पिताजी, मैं अपनी पढ़ाई छोड़ दूंगा और इस वक्त मैं मेहनत करने लायक हो गया हूँ। मैं बहन खुशबू को जमींदार के हवेली पर काम करने के लिए कभी नहीं सलाह दूंगा पिताजी। ठीक है। ओए शेखू साहब, आप यहां से जाएं। मेरी बेटी नौकरी नहीं कर सकती है। देख प्रभु, मैं तेरे कहने के अनुसार तो चला जाऊंगा जरूर, लेकिन तेरे बेटे से दोस्तों में बात करना चाहता हूं। रुकिए ठाकुर साहब, रुकिए राजी भैया। भैया, बहन, आप ये क्या कह रहे हैं? बहन, मैं ठीक कह रहा हूँ। मेरे रहते हुए तुम्हें जमींदार के हवेली पे काम करने की क्या जरूरत है? नहीं भैया, आपकी सोचना बिल्कुल गलत है। भैया, अब मैं हूँ, मैं तेरी पढ़ाई कराऊंगी। भैया, मैं ठाकुर की नौकरी करके तुम्हारी पढ़ाई भी करा दूंगी और घर का खर्चा भी चला लूंगी। भैया, बहन, हाँ भैया, यह तुम क्या कह रही हो? भैया, मैं सच कह रही हूँ। तुम्हारे कहने का मकसद यह है कि तुम जमींदार साहब के हवेली पर काम करने के लिए जाओगी? हाँ भैया। वो भी मेरे लिए? भैया, आप किसी मेरा है कौन इस दुनिया में? बहन, तुम ठीक कह रही हो। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो ठीक है, तुम जमींदार साहब के हवेली पर नौकरी कर सकती हो। ठीक है भैया। पिताजी शंकर, अगर तुम दोनों की राय है तो उसी में मेरी भी राय है। अच्छी जाओ, बेटी खुशबू को भवानी सिंह के महल तक भेज जाओ। अच्छी बात है पिताजी। जमींदार साहब, आप चलिए, मैं अपनी बहन खुशबू को साथ में लेकर तुम्हारे हवेली पे आ रहा हूँ। ये तो अच्छी बात है शंकर। अच्छी बात, तू तो पढ़ा लिखा है ना और पढ़ाई भी कर रहा है, क्यों नहीं? अगर तेरी बहन कमाएगी तो तेरी पढ़ाई और भोजन का भी इंतजाम हो जाएगा, और पढ़ने के साथ साथ तो उन्नत भी करेगा। एक दिन इस चमनपुर में अपना नाम रोशन करेगा। ठीक है, तेरे मतलब की बात कह रहा हूँ। अगर मेरी बात, ठीक है, आप चलिए। बहन, चलो मैं तुम्हें जमींदार के हवेली पर पहुंचाकर, क्योंकि मुझे वापस आना है, ठीक है भैया, क्योंकि मेरे विद्यालय का समय भी हो गया है। हाँ भैया, आओ भैया।